बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी की, जी हाँ, आपसे थोड़ी ही देर में देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बकायदा ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया है कि संदेश को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए आप सुन सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने आज सुबह ही कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया था। बता दें आपको कि पीएम ने 8 नवंबर 2016 को भी कुछ इसी तरह से देश को संबोधित किया था, जब पीएम ने नोटबंदी का अचानक से ऐलान कर दिया था। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी और रातों रात नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया। देश में हलचलें तेज हो गई थी। उस घोषणा में प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। और आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 12:15 का समय पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है, ऐसे में बस अब से थोड़ी ही देर और इंतजार, किसी भी पल पीएम नरेंद्र मोदी अपना संदेश दे सकते हैं। क्या कुछ ऐलान होगा पीएम मोदी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे के बीच बड़ा संदेश दिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर मैं आप सभी के बीच आऊंगा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता ममता काले जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंजन वॉइस में। जी धन्यवाद जी। ममता जी, पीएम मोदी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कोई जानकारी है आपको? देखिए, जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का के ऐलान का प्रश्न है जी, तो किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ना आती हो। पर हाँ, भारतवर्ष की जनता को दोबारा से विश्वास दिलाना और उनको ये याद दिलाना कि जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में चली है, जो विकास के पथ पर अग्रसर रही है, वही काम आने वाले 5 सालों में होगा। और जिस भी प्रकार की कोई और बातें कोई भी पार्टी, लेकिन इस तरह से ट्वीट करते हुए सस्पेंस क्रिएट करना, लोगों को याद आ गया नोटबंदी का वो दौर, नोटबंदी का 2016 का वो समय, जब अचानक से रात को 8 बजे आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 हजार के नोटों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। कुछ इसी तरह से अब एक बार फिर से लोगों की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है कि क्या कुछ कहा जाएगा पीएम मोदी की तरफ से, क्या ऐलान किया जा सकता है। और आज का समय अलग है, वो समय तब का था जब मोदी जी सत्ता पर थे, आज वो एक खुद एक कैंडिडेट हैं, तो आज जो भी बात की जाएगी देश हित के लिए, भविष्य के लिए और आगे के लिए की जाएगी, तो सस्पेंस नहीं है। जनता के साथ वार्तालाप मोदी जी हमेशा से करते आए हैं, मन की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, हमेशा हर बात करते हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद सभी को बहुत तो बात तो वो जनरली भी कर सकते थे, इस तरह से ट्वीट करते हुए सस्पेंस क्रिएट करने के पीछे क्या मंशा? सस्पेंस, ये सस्पेंस कहाँ है, ये तो सिर्फ एक बात है जो अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें सस्पेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने देश की जनता के साथ, अपने वोटर्स के साथ एक प्रत्याशी कनेक्ट हो रहा है, और अगर वो कनेक्ट हो करके सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच में आप मुझे सुनिएगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये कोई सस्पेंशन वाली बात है ही नहीं, इसमें आपको सस्पेंशन वाली कोई बात नजर नहीं आती है, लेकिन देशवासियों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी है। ममता जी, आप हमारे साथ बनी रहे। इस वक्त हमारे साथ हिलाल नकवी जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल जी, पीएम नरेंद्र मोदी 12:15 से 12 बजे के बीच में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सस्पेंस क्रिएट करने की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर हलचलें तेज होती जा रही है, क्या ऐसा क्या कुछ कहने वाले हैं पीएम मोदी? देखिए, बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहने वाले हैं, कोई उन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं या ये कि अब देशवासी सुन नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक तरह का अपना प्रचार किया है और प्रचार करने के पश्चात लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनको सुने, बता पाना मुश्किल है, इंतजार कीजिए वो क्या कहेंगे, इंतजार करना होगा क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। ममता काले जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, बीजेपी नेता। ममता जी, पीएम मोदी की बात देशवासी सुन नहीं रहे हैं, हिलाल जी का कहना है कि इसलिए इस तरह से प्रचार का तरीका अपनाया गया, लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश के साथ इस तरह से ट्वीट किया गया। इस बात पर सिर्फ हंसा जा सकता है, क्योंकि ये जोक ऑफ द सेंचुरी होनी चाहिए भाई साहब की, जो ये बात इन्होंने बोली है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कोई भारतवर्ष के अंदर नहीं सुनता, तो क्या राहुल गांधी जी की बात सुनते हैं?
और अभी जो उन्होंने 72,000 रुपीज वाली बात करी वो है बरगलाने वाली बात, वो है वोटर्स को अपनी तरफ खींचने वाली बात, वो है झूठे और खोखले वादे, वो वायदे हैं जो 71 वाले वादे वो अपनी दादी जी वाले वापस लेकर के आ रहे हैं, वो सारी बातें हैं जो जनता को अपनी तरफ खींचने की बात की जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर समझदार, हर युवा, हर मीडिया हाउस, हर एक महिला, हर एक गृहिणी सुनती है, बड़े ध्यान से सुनती है, बहुत तवज्जो उनकी बात को देती है। और इसीलिए आज मोदी जी की एक एक ट्वीट पर भी सारे लोग ये सुनने को आतुर हैं कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, हिलाल जी जवाब दीजिए, आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से इस तरह से ये तरीका अपनाया गया है, इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करते हुए यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, राहुल गांधी की बात कौन सुनता है, कितने लोग सुनते हैं? देखिए राहुल जी की बात इसकी सुनते हैं कि उन्होंने कल जो है वो अपना एक घोषणा की है, घोषणा पत्र में आने वाला है न्याय के बाद, उसके बाद से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई, ये नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए, उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से खोखले वादे बड़ा अजीब लगता है जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जो है वो कह देते हैं कि कुछ नहीं एक जुमला है, जब वो आज की भी तारीख में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कहने वाले आज जो है रोजगार की बात नहीं करते हैं, 15 लाख रुपए देने की बात करने वाले आज गायब दिखाई देते हैं, किसानों की आमदनी को दुगना करने वाले लोग जो है वो आज किसान की बात नहीं करते। देखिए नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, ये एक सच है, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, एक सच की बात हिलाल नकवी जी कहते नजर आ रहे हैं, गरीब विरोधी है नरेंद्र मोदी। ममता जी जी क्या कहिएगा, गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और कह रहे हैं कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बातों को नकार जाते हैं, जुमला करार दे देते हैं, तो बाकी लोगों पर क्या विश्वास करें लोग? एक गरीब परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है आज गरीब विरोधी हो गया, पहन के खड़ा हो जाता है और अमीरों का चौकीदार हो जाता है। मैंने नहीं बोला, अभी आप चुप रहिए, मैंने सर आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिए। और एक वंशवाद का रक्षक, एक एक परिवार का राजकुमार, एक अरबपति लड़का जो है वो गरीबी समझ रहा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी गरीबी समझ रही है ना, इन्होंने तो बेचारों ने सिर्फ गरीबी देखी है, इन्होंने तो नमक रोटी खाई। हिलाल जी सवाल आप पर भी तो इसलिए खड़े हो रहे हैं गरीबी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा गरीबी के स्लोगन के साथ दोबारा चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। अगर वाकई में कांग्रेस की तरफ से काम किया गया था, क्यों इतनी मजबूरी सामने आ गई कांग्रेस के कि शोभा नहीं देते हैं, 4 दशकों के बाद एक बार फिर से उसी स्लोगन के साथ उतरना पड़ा है? देखिए एक बात तो स्पष्ट कहेंगे कि जैसे गरीब मोदी जी हैं भगवान, ऐसा गरीब सारे हिंदुस्तान को कर दे, सब लोग जो है वो 10 लाख का सूट पहन करके घूमे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सर, आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे गरीब जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो अच्छा है, ऐसे गरीब जिनको गरीबी की हालत में किसी ने देखा ही नहीं वो खुद कहते हैं कि वो गरीब है, ऐसा गरीब पूरा है। कांग्रेस पार्टी की आंखों में पट्टी बंधी हुई रहती है, उनको देश के गरीब कभी दिखाई नहीं देते हैं, ना आज तक दिखाई दिए ना भविष्य में दिखाई देंगे। और जहां तक रोजगार का सवाल है, जहां तक रोजगार, चलिए दोनों को एक दूसरे के नेताओं में महज कमियां नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ममता काले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिलाल नकवी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद मोदी की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है, हालांकि 12 बजने में महज 5 मिनट बाकी बचे हैं, अब तक तो ऐसा कुछ संदेश लेकर सामने पीएम मोदी आए नहीं हैं, थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।